Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. Hello बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास फिफ्थ का मैथमेटिक्स. आज हम सब पढ़ेंगे न्यू चैप्टर मनी. चैप्टर नंबर 10 मनी यानी कि धन रुपया. तो एक्सरसाइज 10.1 यानी कि इसके पहले एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है रुपीज एंड पैसे एज डेसिमल. रुपए पैसे को डेसिमल के रूप में. ओके, तो हम लोगों ने डेसिमल पढ़ा है. तो आइए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि कितने में कितने रुपए में कितने पैसे होते हैं. ठीक है, एक रुपए की बात करें, ए रुपए का साइन है. ठीक है, एक रुपया किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के. 100 पैसे. ओके, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, याद रखिएगा. और एक पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. यदि आपको कहा है क्वेश्चन में कि रुपीज एंड पैसे दिया गया, यदि हम एक्सरसाइज की बात करें एग्जांपल्स की, तो यहां पर 2 रुपीज 89 पैसे. जैसे आप लोगों ने इसकी पिछला एक्सरसाइज को सॉल्व किया था मीटर एंड सेंटीमीटर का, सेम टाइप का है. देखिए, ए रुपया है, ए पैसा है. ठीक है, रुपए को रुपए में रहने दीजिए, इसको डेसिमल में चेंज करना है और रुपए फॉर्म में चेंज करना है. तो 89 पैसे, आप पहले देखिए कि 89 पैसे को रुपए में चेंज कैसे करते हैं. ठीक है, पैसे को रुपए में चेंज कैसे करते हैं, 100 से डिवाइड करके. तो 89 में जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 0 है, तो डेसिमल यहां से 2 प्लेस आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.89. ठीक है, तो यहां से प्लस 0.89 अभी किस में आ जाएगा, रुपए में. ठीक है, अब यहां से ए 0 रुपया है, ए 2 रुपया है, 2 एंड 0 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.89 रुपया. ठीक है, याद रखिएगा, डेसिमल वाला पोर्शन डेसिमल से ऐड होता है और नॉन डेसिमल पोर्शन नॉन डेसिमल. ओके, ये हो गया एग्जांपल. अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, डू राइट एज रुपीज इन डेसिमल फॉर्म. राइट एज रुपीज एंड पैसे. राइट एज रुपीज इन डेसिमल फॉर्म. देखिए, एक क्वेश्चन सेम टाइप का है, क्वेश्चन सेम टाइप, केवल 2 क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट हैं. ओके, तो यहां से हमें ये समझना है. सबसे पहले हम पहले पार्ट को लेते हैं. 34 रुपीज 85. मैंने अभी बताया था, रुपीज को रुपीज में रहने दीजिए और इसको पैसे को रुपए में चेंज कीजिए. देखिए, इसमें जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये रुपए में हो गया. ओके, ये भी रुपए में और ए भी रुपए में. आर यानी ए रुपीज का साइन होता. ठीक है, अब यहां से ये 34 रुपीज हो गया प्लस ए भी 0.85 रुपीज हो गया. अब इसको ऐड करेंगे तो ये 34 रुपए और 85 पैसे है, तो ये हो जाएगा 34 रुपीज 85 पैसे. और यहां से हम डायरेक्ट रुपीज का साइन लगाएंगे. जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो यहाँ रुपीज का साइन लगाएंगे और पैसे नहीं लिखेंगे. उसी तरह बी वाले पोर्शन को इस तरह से सभी क्वेश्चन को राइट करना है. ओके, शॉर्ट में मत लिखना. ये हो गया 62 रुपीज एंड 70 पैसे. तो 62 रुपीज प्लस 70 अपॉन 100 रुपीज, तो इसको ऐड करेंगे 62 प्लस 0.70, तो ये हो गया 62.70 रुपीज. क्लियर, ये 2 क्वेश्चन हो गया. उसी तरह से इन सबको करना है. याद रखिएगा, 384 रुपीज 80 पैसे, तो 384.80 रुपीज. मैं इसको हटा रहा हूं. अब इस क्वेश्चन को यहां से डिस्कस करूंगा. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 2, दोनों क्वेश्चन को देखते हैं. राइट एज रुपीज एंड पैसे, ये दिया गया, इसको रुपीज एंड पैसे में राइट करना है. तो यहां से हम पहले पोर्शन को देखते हैं, 548.45. यहां से सबसे पहले
डेसिमल के पहले जो दिया गया है वो रुपये है और डेसिमल के बाद जो दिया गया है पैसे है। डायरेक्ट यहाँ फिल कीजिएगा 548 रुपीज एंड 45 पैसे। ओके, उसी तरह इसमें 37 रुपीज एंड 00 पैसे, 68 रुपीज 05 पैसे, 89 रुपीज 75 पैसे। क्लियर है? ओके, सब सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक ड्रिल, फिल इन द ब्लैंक्स। 37.04 मीन्स का होता है 37 रुपीज एंड 04 पैसे। नेक्स्ट 46 रुपीज एंड 07 पैसे, 46 रुपीज 7 पैसे, 84.92 ये हो जाएगा डेसिमल फॉर्म। क्या हो जाएगा? 84.92 रुपीज, ये डेसिमल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। ओके, इस एक्सरसाइज में आज बस इतना ही था। देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या दिया गया है। स्टोरी प्रॉब्लम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, ये रुपए और पैसे का कमाल है, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है। इसमें टोटल 6 करीब 10-11 क्वेश्चन हैं, तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो जितना बताया गया है इसको सॉल्व कीजिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए, उसका सोल्यूशन हम आपको अवश्य देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।